हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश राजपुरोहित है और मैं राजस्थान से हूँ। मैं आज आपके लिए एक स्टीमरिंग पर वीडियो लेकर आया हूँ। पहले भी मैंने मेरे काफ़ी सारे वीडियो डाले थे, 5-6 वीडियो मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का सुरेश सिंह राजपुरोहित नाम है इसी चैनल पर। अगर आप स्टीमर हैं तो इसको सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टीमरिंग पर अपने विचार, अपने एक्सपेरिमेंट डालता रहता हूँ। मैंने जब मेरे वीडियो डाले थे उसमें ने स्पीच थेरेपी प्रैक्टिस और मेडिटेशन के बारे में समझाया। मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाले हुए, तो उसमें से काफ़ी जनों के कॉल आए, काफ़ी लोगों के, काफ़ी स्टेमर हो गए और कमेंट भी आए कि मैं मेडिटेशन स्पीच प्रैक्टिस करता हूँ तो काफ़ी फ़र्क है, मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, स्टेमरिंग थोड़ी कम कंट्रोल हुई है। और कई जनों का ये सवाल होता था कि सर मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, स्टेमरिंग कंट्रोल ही नहीं होती, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। तो मेरा आप सबसे यही सवाल है, यही आपको कहना है कि अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं तो भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप गलत रॉन्ग वे पे हैं। कि आप प्रैक्टिस करते हैं अकेले में करते हैं, किसी के सामने करते हैं? अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात में प्रैक्टिस को लाइए, क्योंकि डर तो वही है ना, आप अकेले में नहीं हकलाते, किसी के सामने हकलाते, अनजाने व्यक्ति के सामने या फिर कोई बड़ा आदमी, बड़ा ऑफिसर के सामने। तो आप किसी के सामने प्रैक्टिस करिए, बाहर खुलकर प्रैक्टिस करिए, अंदर घर में बैठे बैठे प्रैक्टिस, छुप कर प्रैक्टिस, ये कैसी बात है? फिर कहते हैं मेरे तो ठीक ही नहीं हो रही है। कैसे ठीक होगी, आप अकेले में तो हकलाते ही नहीं, अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करिए अकेले में थोड़ी देर, फिर बाहर आइए, लोगों के सामने करिए। मेडिटेशन तो अकेले में होती है, किसी के सामने नहीं होती है, वो तो मान लिया, पर प्रैक्टिस सबके सामने करनी पड़ती है। सबके सामने करनी पड़ती है, इसका मतलब जो स्पीच थेरेपी जितना लंबा खींच कर अक्षरों को समझाया जाता है, इस तरह नहीं बोलना है, बट थोड़ा तो धीरे बोलना है ना। हकलाने वाले तो बहुत फास्ट बोलते हैं, रेलगाड़ी की तरह, इतने फास्ट, रेलगाड़ी इतनी फास्ट नहीं चल सकती, उतने तो फास्ट बोलते हैं, और फिर कहते हैं हम अकलाते, हम तो अटकते। अटकोगे भाई, अगर इतना फास्ट बोलोगे तो अटकोगे। एक ही सवाल, एक ही इसका इलाज है कि एकदम धीरे बोलना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे बोलने का मतलब ये नहीं कि आपका साउंड धीरे करना है, मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो धीरे करना है। आप जो लाइन बोलते हैं, जो भी वर्ड बोलते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, तो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखकर बोलिए। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आपने नाश्ता किया या नहीं, मैं कल ही मुंबई से आया हूँ, इस तरह बोलिए। मतलब थोड़ा गैप तो रख सकते हैं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं। सबसे मेन बात कि आप अकेले में प्रैक्टिस करिए, वो मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ती है अकेले में, लेकिन लोगों के सामने भी करिए, धीरे वहाँ भी बोलना है। कई जन क्या करते हैं, अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, बाहर आके फिर वही फर्राटे बंद बोलना, ये क्या बात हुई भाई। बाहर आकर तो अंदर आप धीरे बोल रहे हैं, बाहर आकर फास्ट बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं हमने प्रैक्टिस की, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा, ऐसा तो मैं भी करूँगा तो मैं भी अकेला जाऊँगा। लेकिन मुझे मुझे मेरी स्टेमरिंग कंट्रोल रखनी है, इसलिए मैं तो स्लो बोलता हूँ, एकदम स्लो। अपनी हर अपना अक्षर सबको समझ में आना चाहिए, हमने क्या बोला, कोई दोबारा पूछना चाहिए भाई क्या बोला, दोबारा बोलना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आप जो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको एकदम स्लो, पूरी पूरी बात सबको समझ में आनी चाहिए। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबके सामने करिए, धीरे बोल रहे हैं, सबके सामने धीरे बोलिए। और एक और बात, अगर आप कहीं पर सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी,
आपके साथ में अगर कोई अनजान व्यक्ति है बैठा है तो उससे आप बात करने की कोशिश करिए, कुछ भी बात कर सकते हैं। भैया आपका नाम क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम, पिताजी का नाम, क्या काम करते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की लेवल में ही बात करनी है। 2-3 महीना टाइम लगेगा ऐसा करने में, मतलब मेहनत करने में, फिर आप एकदम फ्री हो, एकदम ठीक हो जाओगे। जैसे आज मैं ठीक हूँ, मैंने भी मेहनत की, 1 साल मेहनत की, तब जाके इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, वरना तो पहले तो बहुत अकलाता था, मैं बोल ही नहीं पाता था, अपना नाम तक नहीं बोल पाता था। लेकिन आज आपके सामने हूँ, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, एकदम साफ बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर आपको भी इसी तरह ठीक होना है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मैंने की। स्लो प्रैक्टिस, स्लो प्रैक्टिस यानी सबके सामने स्लो कैसे बोलोगे? जैसे मेरा नाम सुरेश राजपुरोहित, तो मैं ऐसे बोलूँगा, कोई किसी ने पूछ लिया आपका नाम सुरेश राजपुरोहित, आपका नाम क्या है, कोई बता सकता, कुछ भी, अभिषेक कुमार, कुछ भी। तो इस तरह ही आपको भी बोलना है। तो मुझे आशा है कि आप सबके सामने प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ।